हेलो वी चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिठाई जो सूजी और मलाई से बनती है। लेकिन दोस्तों सूजी की है मिठाई जरूर, लेकिन जब आप किसी को सर्व करेंगे ना तो लोग ढूंढते ही रह जाएंगे कि सूजी है कहाँ। तो चलिए बनाते हैं फटाफट अपनी रेसिपी। हमने मलाई ली है, आप देख सकते हैं आधा बाउल हमने पीसी हुई चीनी ली है और लगभग 1 कप हमने सूजी ली है, 2 चम्मच हमने देसी घी लिया है, 1 चम्मच हमने पिसी हुई सफ़ेद इलायची ली है और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें हमने रोस्ट कर लिया है। अब ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ा सा मिक्सी में चला लेंगे, एकदम महीन पाउडर नहीं बनाएंगे लेकिन थोड़े से टुकड़े इनके कर लेंगे। देखिए इनको हम पीसने जा रहे हैं, बिल्कुल हल्का सा दरदरा कर लेंगे। देखिए ये पिस गया है। अब हम क्या करेंगे, सूजी को थोड़ा भून लेते हैं। सूजी को हम अपनी कढ़ाई में डाल दे रहे हैं और इसी के साथ डाल देंगे हम घी, ये देखिए, और फिर इसे भूनेंगे सूजी को। इसे आप इसी तरीके से भूनिए लेकिन इसको हम लाल नहीं होने देंगे। जब इसमें अरोमा उठने लगेगा, हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी, तब हम इसको बंद कर देंगे। आप इसे ऐसे ही भूनते रहिए और अपनी फ्लेम को मीडियम रखिए। दोस्तों इसमें बहुत बढ़िया खुशबू आने लगी है और कलर भी नहीं बदला, यानी ये भुन चुका। अब हम इसे उतार ले रहे हैं। देखिए गैस बंद कर दी। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना है, डाल देंगे इलायची पाउडर साथ में, फिर मिला देंगे इसको। मिला दीजिए। अब इसी में ही हम बाकी सामान भी डाल देते हैं, जो पिसी हुई हमारी चीनी है उसको भी हम इसमें मिला देंगे। और ये क्योंकि ठंडा गर्म है और तो इसे हमें ठंडा करने के लिए भी थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, और जो हमने मलाई ली है उसको भी हम इसमें मिला देते हैं। ये देखिए गैस हमारी बंद है और हम इसको, क्योंकि कढ़ाई गर्म है बस काफ़ी है। आप देख रहे हैं कि हमने जितनी मलाई ली थी ये काफ़ी हो गई और इसमें हमें बिल्कुल कुछ करना नहीं है। अब इसे हमें ठंडा करने के लिए छोड़ देना है, ये एब्जॉर्ब कर लेगी सूजी इसको, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। मलाई कुछ ठंडा हो गया है तो हम लड्डू इस तरीके से इससे बना लेते हैं, और ये अभी ठंडा होके ये और टाइट हो जाएगा थोड़ा सा। आप मीठा जो है अपने हिसाब से करेंगे। देखिए इसी तरीके से बना के सारे लड्डू आप रख देंगे। देखिए कितने बढ़िया लड्डू तैयार हो रहे हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। और हम रखते जाएंगे एक प्लेट पर। देखिए हमारे लड्डू बढ़िया बन के तैयार हो गए। इस पे हम पिस्ता लगा देते हैं कुछ इस तरह। ये देखिए ये कितना खाने में भी बहुत, जितना देखने में अच्छे हैं ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन जब दबाना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।